इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हम यहां पे काम करेंगे। अच्छा, एक महीने बाद मिलेंगे। अरे चला चला लौकर चला। अरे काय करता है? अरे चला ना। अरे डोले उभर के राजा चला चला। हे राम्या, अरे ये की लौकर चला लौकर चला। भाई साहब क्या हुआ? यहाँ पूरे परिवार ने दवाई खाकर जान देने की कोशिश की है। क्यों? अरे हर गांव का यही हाल है, किसान मर रहे हैं। चला चला चला, जल्दी जाके मुखिया को बुलाओ। मिलो करते ना, क्यों नहीं था भाई? बाबू उठ रहे, खाली ठेव चला भाई। अरे डोले उघड़। मेरे को हगने नहाने मत देना तुम लोग। हगने जाओ तो डॉक्टर साहब, मुदने जाओ तो डॉक्टर साहब। ए आज गेहूं ना सगड़ाना। चलो चलो जल्दी अंदर चलो, पटकन। आनंद ठेव इकड़े ठेव। सावकाश रे बाबा। ए पानी का। अरे का है, चलो बाहर चलो। तुम्हारा क्या काम है इधर? चलो चलो तुम भी बाहर चलो। अरे चलो बाबा चलो इधर से, उठो उठो तुम उठो, चलो बाहर। देखो कुछ काम है का तुम्हारे? अरे डॉक्टर ना त्यांचं काम करून द्या, माझा ऐका तुम्ही। चला सगळ्यांनी इकडे बाहेर थांबा बघू, उगीच गर्दी करताय आत आणि डॉक्टर ना काय सुचणार का तिकडे? मग चलो तुम बाहेर रुको, चलो इधर। रघु त्याला बघ। हो सर हो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपको ग्लव्स तो यूज करने चाहिए। मुखल, मुखल, उल्टी, हाँ, रुकिए। होय सर। मौसी, तेरी दे। देना। रघु, ड्रिप लगा। हाँ, मौसी। हाँ, ड्रिप दे, लोकर। गया, ये। तेरे बहू बेटे को तो नहीं बचा पाया, लेकिन वो दोनों लड़के बच गए। विधि का लिखा कौन टाल सकता है डॉक्टर साहब? आधा टाल दिया है मैंने, खुद भी कुछ कर लो, नहीं तो बहुत कुछ लिखा है विधि में। विधि का लिखा
और यहाँ भीड़ लगाने से वो दोनों वापस नहीं आ जाएंगे। पुलिस का काम खत्म होगा तो आके फूंक देना। आगे से किसी को मरना हो तो जहर मत पीना, घासलेट डाल के फूंक जाना, क्रियाकर्म का पैसा बचेगा। जाओ यहाँ से, जाओ। Myself, Dr. Mukesh Jadhav. Pleased to meet you. हम कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। पहले उसे प्यार से समझा, मानता है तो ठीक है, नहीं तो उड़ा सा लेगा। ठीक है। मेरे आदमी को क्यों मारा? मारते नहीं तो तुम हमसे मिलने कैसे आते? क्या मंगाऊं, बियर या हार्ट चलेगी? क्या? देखो, तुमसे दुश्मनी होता तो तुम्हें मारते, तुम्हारे आदमियों को मारा। हम बस एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहता था तुमको। देखो, इलेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। तुम जैसा डिसेंट फैमिली के लड़का लोगों के लिए नहीं है ये सब। अरे प्रकाश भी तो बता रहा हूं, प्रकाश जैसा एक पुर्जा हर इलेक्शन में खड़ा होता है, दो दो वोट काटने वालों को कहां तक झेलेगा ब्रदर? और अगर प्रकाश के वोट्स काट के मैं खुद इलेक्शन से विड्रॉ हो जाऊं तो फिर हम दोस्त बन जाएंगे। लेकिन उसे रोकोगे कैसे? कुछ मिला उसके खिलाफ? ऐसा हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, तुम्हें मिल गया। बिगनर्स लक। Are you sure this is going to work? अब अगर सुसाइड है तो सुसाइड नोट तो मिलना ही चाहिए ना, हाँ? Excuse me, आप लोग कैंपस के अंदर कैसे आ गए? किसने बुलाया आपको? मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। आपने एक सुसाइड केस एडमिट किया और पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया। What nonsense, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक लड़की रात के वक्त बालकनी से गिर गई थी, बस। It was an accident। तो ज्योति राजाराम ने सुसाइड नहीं किया। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसका बॉयफ्रेंड प्रकाश उसे बहुत तंग किया करता था। खैर, गर्ल्स हॉस्टल में हम उसके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं, बताएंगे कहाँ है? नहीं, वो गिर गई थी बस। वो हमें डिसाइड करने देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला।
अब भी आप यही कहेंगे कि वो बालकनी से गिर गई थी? Oh shit. This really looks like a handwriting. Very sad. Excuse me. Side, please. Side. चलो इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब क्या बकवास है? अरे आप ज्योति का स्टेटमेंट तो ले लीजिए। स्टेटमेंट देने लायक होगी, वो भी ले लेंगे। चलो इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन कीजिए। सर आप देखिए, बात तो सुन लीजिए। तुम चुप रहो। सर आप ज्योति का स्टेटमेंट लिए बिना अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। चुप सर प्लीज। देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो अरे आप किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं मुझे? देखिए सर, इंस्पेक्टर साहब ये इल्लीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। थाने चल, फिर तुझे कानून सिखाता हूँ। यार क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लड़कियां कैंपस में सेफ नहीं है, यही कहता था ना तुम्हारा वो लीडर। हाँ अब देखो, अपनी ही गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल पहुंचा के अब कहाँ जा रहा है? उसके बगैर कैंपस ज्यादा सेफ है। राइट, वोट फॉर राहुल, 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 वोट फॉर राहुल। लेकिन अपना वादा याद रखना, नहीं तो मैं याद दिलाने आ जाऊंगा अपने सारे आदमियों के साथ। मैडम, वाक साहब आए हैं। अंदर भेज दो। आपको बाहर बुलाया है। नमस्कार भाई, उस संख्या ने हमारे बेटे रामोजी को मार मार के अधमरा छोड़ दिया है और बाकी सबको जान से मार दिया है। मैंने भी कुछ सुना है कल रात के बारे में। मैडम, लगता है ये संख्या का अपना ही कोई गैंग है यहाँ। मैंने तुमसे कुछ पूछा? अरे साहिबान, इतना ही नहीं है, वो गांव में दंगा फसाद करवा रहा है, लोगों को भड़का रहा है, नक्सलवादियों से मिला हुआ है ना, हजारों लोग हैं, अस्पताल के बाहर है, सर्किट हाउस के बाहर है, आइए देखिए। तांबे, तपास शुरू करा। जी मैडम। हम भी तो जाने सच क्या है। अरे क्या मतलब? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? सच ही तो बोल रहे हैं। अरे डीआईजी साहब ने भी सच सुन लिया है, मैं अभी उन्हें फोन लगाता हूँ। हाँ। फोन लगा बे। सर फोन। हेलो डीआईजी साहब, नमस्कार। हम आए हैं उनके पास, वो कह रही है तहकीकात करनी पड़ेगी साहब। डीएसपी को फोन दीजिए। जी साहब। सर हेलो। भाव, ए भाव, पुलिस संख्या को पकड़ने आ रही है। आ? जाओ जल्दी जाके मुखिया को खबर कर दो, जाओ। ओ, करता हूँ।